हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन पे। सर गाइस, आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो बनाई होगी करीबन 4 दिन पहले, और उस पर मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी अब यहाँ से गिर सकती है। जो एक रेंज मैंने आपको बताई थी 11,090 से लेके 11,120। गाइस, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो पर जाएंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने क्लियरली लिखा था ये रेंज के बारे में कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर सकती है मार्केट, और यहाँ से मार्केट कोलैप्स कर सकती है। और जब कोलैप्स करेगी तो मार्केट अपने 3 रेंज या 3 सपोर्ट जो है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगी, जिसमें से 2 को कर चुकी है। और अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो शायद जो तीसरा सपोर्ट है उसे भी टेस्ट कर सकती है, वरना यहाँ से अगर बाउंस देखने को मिलता है तो बाउंस में मार्केट एक और हाई स्विंग हाई को क्रॉस कर सकती है। भाई, ये जो आप मेरा एक टाइटल देख रहे हैं कि अगर बात सुनी होती तो पैसा बना लेते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तो गाइज, ये वीडियो मैं कल बनाने वाला था, कल मैं लाइव भी आया था अपने चैनल के थ्रू, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं नहीं बना पाया, और जो मेरे लैपटॉप में थी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कल कोई वीडियो नहीं बना पाया, वरना मैं आपको आज के ट्रेडिंग सेशन पे बहुत अच्छा फायदा करवा सकता था। जो मैंने एक स्टॉक आपके लिए कल चुन के रखा था वो था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि उस पर भी हमने एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और वो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारा टारगेट अचीव करवा देता। गाइस, पर गाइस अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। निफ्टी के अंदर किस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, मैं आपके लिए एक और स्विंग ट्रेड लेकर आया हूँ, जिसकी मैंने आपको एक कॉल ऑप्शन भी दे रखी थी, जिसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो गाइस, उसके बारे में भी आपको मैं चार्ट्स में बताऊंगा कि चार्ट्स में ऐसा क्या पैटर्न है, किस तरीके से मैं आपको उसमें बाइंग दे रहा हूं। और गाइस, मैंने आपको जो वो कॉल ऑप्शन होल्ड के लिए दी थी वो अभी भी स्टिल इंटैक्ट होल्ड है, और जो मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स में बताता हूँ वो बिल्कुल सेम जाके टारगेट अचीव हो रहे थे। गाइस, अगर मैंने अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं तो जाके जरूर देखिएगा, पिछली 2 वीडियो पे उस पर मैंने कुछ स्विंग ट्रेड्स दिए थे, जिसके टारगेट्स हमें अगले या 2 दिन के अंदर अंदर ही अचीव होते हुए दिख गए थे। गाइस, अगर मैं आपको लेकर जाना चाहूँ तो मैंने पिछली वीडियो पे आपको मैकडोवेल्स बताया था, बाय करने की सलाह बताई थी 560 के लेवल्स पे, 580 600 का टारगेट था, और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई थी तो हमने देखा था 580 का लेवल हमें अचीव होते हुए दिख गया था। 20 पॉइंट की हमने मैकडोवेल्स के अंदर अपसाइड देखी थी। तो गाइस, उसके बाद से वो थोड़ा बहुत नीचे आ चुका है। गाइस, हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो जाके बिल्कुल अचीव हुआ था। आईसीआईसीआई प्रो लाइफ की बात करें तो इस पे भी मैंने आपको सलाह दी थी कि एक गाटले पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ से जो इसकी अपसाइड आएगी वो बहुत बुलिश तरीके से आएगी, और 288 पे मैंने आपको बाइंग लेवल दिया था कि इसको बाय करके चलना है, और 310 या 300 का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, नेक्स्ट डे ही इसमें 310 का भी टारगेट आ गया था। तो गाइस, कुछ जो ऐसे पैटर्न्स होते हैं, जो ट्रेंड लाइन्स होती है, और जो फिबोनाची का मकसद होता है, गाइस ये 3 चीजें अगर मिल जाएंगी तो हम बहुत बढ़िया तरीके से स्विंग ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हैं, और बहुत अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं 1 या 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अंदर ही। गाइस, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं या कुछ ऐसे पैटर्न्स भी होते हैं जो कभी कभार अपने उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता, वहां से फेल कर जाते हैं। वही कुछ पैटर्न्स मुझे जो डेवलप होते हुए दिख रहे हैं वो हो रहे हैं NBFC कंपनीज के अंदर। गाइस, अगर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें, जिसमें आता है LIC, कैनफिन होम्स, रेपको होम। सो गाइस, ये कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिस पर मुझे लगता है कि वो जो पैटर्न है वो क्लियरली फुलफिल नहीं हो पा रहा, उससे पहले ही वो अपनी रेंज को तोड़ रहा है। तो गाइस, उस पर भी मैं एक बात करूंगा आपसे, और उसके लिए शायद मैं कल एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने में कि कल उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या मूवमेंट होती है, तभी मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। और वो अगर हमारे अकॉर्डिंग होती है तो गाइज हम आपको बहुत अच्छा खासा फायदा करवा सकते हैं उन पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अंदर ही। तो गाइज, अब बढ़ते हैं निफ्टी के चार्ट्स के अंदर, और निफ्टी के चार्ट्स में ऐसा क्या दिख रहा है हमें कि मैंने आपको ये वीडियो बनाने के लिए ये आज वीडियो बनाई है। और गाइज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे ऐसा क्या पैटर्न बना ये उस पर भी मैंने आपको बाइंग लेवल दिया है। गाइज, अगर आपने अभी तक उस कॉल ऑप्शन को जो 240 की कॉल ऑप्शन है उसे होल्ड करके रखा हुआ है तो अभी भी आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं, जब तक आपका जो स्टॉप लॉस है वो मीट नहीं होता, या जब तक आपका टारगेट है वहां तक वो नहीं पहुंचा। सो गाइस, बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। सो गाइस, मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, और ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ कुछ ट्रेंड लाइंस ही ड्रॉ कर रखे हैं, कुछ यानी कि सिर्फ 2 ट्रेंड लाइन जो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और गाइस, सिर्फ मैंने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर रखे हैं, फिबोनाची लेवल्स यूज कर रखे हैं। गाइस, जो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो थी इस पॉइंट पे, यानी कि 6 फरवरी को मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी और मैंने बताया था कि मार्केट कहां तक जा सकती है और उसके बाद कितनी गिरावट हम देखने को मिल सकती है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने, आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको रेंज बताई थी कि गाइस जो 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि 11,090 का है या 11,090 से 11,120 का है, पॉइंट्स का गैप आ जाता है, तो वहां पे मार्केट को बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग देखने को भी मिल सकती है, तो वहां से भी मार्केट करेक्ट कर सकता है। गाइस दूसरा मैंने जो आपको चीज बताई थी कि अगर बाय चांस हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होता, अगर बाय चांस ये इस लेवल को भी तोड़ देती है, यानी कि 11,120 के लेवल को भी तोड़ देती है गाइस, तो जो इसका नेक्स्ट लेवल होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा लेवल बनता। तो उसका नेक्स्ट लेवल बनता, आप देख सकते हैं, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन करता हूँ, वहां पर आप आराम से पता लगा लेंगे कि किस तरीके से होगा। गाइस ये हो सकता था इसका नेक्स्ट लेवल, यानी कि 11,175 का लेवल भी मार्केट एक्सपेक्ट कर सकती थी अगर ये इस लाइन के ऊपर या जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर के आसपास आती। क्योंकि गाइस मैंने आपको ये क्यों बताया कि ये इस रेंज तक पहुंच सकती है, अब आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको आराम से समझाऊंगा कि इस चार्ट में ऐसा क्या बन रहा है कि आपको बार बार निफ्टी के चार्ट को देखने की जरूरत ना पड़े, मैं आपको बार बार निफ्टी के चार्ट के बारे में ना समझाऊं, अब अपने आप ही फाइंड करके हर दिन अकॉर्डिंगली कुछ पॉइंट अर्न कर सकते हैं निफ्टी से और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड लेकर जा सकते हैं। गाइस ध्यान से देखिएगा, आप देख सकते हैं लेवल से आप देखना शुरू करिएगा, इस लेवल से यानी कि 2017 दिसंबर से मार्केट में एक अपसाइड देखने को मिली, फिर एक हमने एक थोड़ा बहुत करेक्शन देखा, मार्केट इसी जो इसका प्रीवियस लो था उसी के आसपास आया, वहां से वापस मार्केट रिवर्स कर गया, रिवर्स करने के बाद इसने स्विंग हाई को तोड़ के न्यू हाईज रिकॉर्ड करे, वहां से मार्केट ने वापस करेक्शन लिया, करेक्शन लेने के बाद जो इसके प्रीवियस स्विंग लोस थे उसको ब्रेक नहीं करा, वहां से हमने वापस अपसाइड देखी, अपसाइड देखने के बाद अब हम देख रहे हैं कि ये जो एक पैटर्न डेवलप हो रहा है वो हो रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन निफ्टी। गाइस आप देख सकते हैं ये इसका पहला शोल्डर है, ये इसका हेड है, और गाइस ये दूसरा शोल्डर भी डेवलप कर सकता था अगर ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर निकलता, और गाइस अगर निकलता तो ये कहाँ तक जाता, अपनी इस ट्रेंड लाइन के टॉप तक जाता। गाइस अगर ये जाता तो वापस ये अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही डेवलप करता और यहाँ से भी हम एक हेवी सेलिंग देखने को मिल सकती थी, और जो यहाँ से सेलिंग आती वो गाइस 10,600 के लेवल को भी तोड़ सकती थी। और गाइस यहाँ से हमने एक डाउनसाइड ही देखी, तो हम कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो क्लियरली फुलफिल नहीं हुआ, कुछ 50-60 पॉइंट की वजह से वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बना। पर अगर हम 50-60 पॉइंट की रेंज को, यानी कि जो ये एक शैडो देखने को मिली है, उस अगर शैडो को हम नीचे ले जाते हैं ट्रेंड लाइन को, तो आप देख सकते हैं कुछ 10-12 पॉइंट की वजह से ये हेड एंड शोल्डर भी बन चुका है, और यहाँ से एक करेक्शन आ सकती थी, और जो करेक्शन आ सकती थी वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल और 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल तक मार्केट को लेकर जा सकती थी। गाइज वही हुआ, 11,090 का लेवल मार्केट ने थोड़ा 11,120 के आसपास ही ट्रेड करा, और वहां से मार्केट ने करेक्शन दिखाई, करेक्शन दिखाने के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट 10,900 या फिर 10,850 के आसपास जाके क्लोजिंग देके गई है, यानी कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे ही जाके इसने अपनी क्लोजिंग दी है, ना कि इसके नीचे ना कि इसके ऊपर। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे इसने अपनी क्लोजिंग दे रखी है। गाइज अब यहाँ से मार्केट एक कंफ्यूज कर सकती है, क्या कंफ्यूज कर सकती है गाइस, कि यहाँ से मार्केट वापस अपने प्रीवियस लोज या प्रीवियस सपोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू करेगी, जो इसकी ट्रेंड लाइन है। यहाँ से मार्केट एक अपस्पर्ट दे सकती है, क्योंकि गाइस हम हमेशा देखते हैं कि मार्केट अपने सपोर्ट तक तो नहीं पहुंच पाती, अगर हम सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बनाते और ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करते, तो गाइस हम ये सोच के चलते कि गाइस यहाँ तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी, पर हो सकता है कि मार्केट 10,683 के आसपास ना जाए, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स कर जाए, और आप लोग सोच के बैठे कि यार ये इस लेवल के क्यों नहीं आई, टेक्निकल क्यों फेल हो गया। गाइस ऐसा नहीं होता, मार्केट यहाँ से भी अपमूव दे सकती है, मार्केट यहाँ से भी अपमूव दे सकती है, और मार्केट 50% रिट्रेसमेंट लेवल से भी अपमूव दे सकती है, क्योंकि गाइस 50% जो लेवल होता है वो लेवल डिसाइड करता है कि अगले दिन जो भी मूवमेंट आएगी, जिस तरफ आएगी, वहां पर मार्केट चलना शुरू कर जाएगा पूरे हफ्ते, पूरे सेशन के लिए। बस यहाँ पर मैं एक RSI ड्रॉ करना चाहूंगा, RSI इंडिकेटर लेकर आना चाहूंगा। वहां पर हम डिसाइड करेंगे उस तरीके से किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है आरएसआई पे और क्या हमें देखने को शो करने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी 52 के आसपास है। सो अब अगर हम बात करें तो 52 एक गुड बाय जोन ही बना हुआ है, क्योंकि अगर मैं बात करूं रेशियो लेकर चलूं तो मुझे लगता है कि अगर ये 45 से नीचे जाता है आरएसआई, सो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी को बाय करने के लिए या शॉर्ट करने के लिए। अब गाइज मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये वापस इस लेवल तक आती है तो निफ्टी आराम से 45 आरएसआई 45 को टेस्ट कर जाएगा और यहाँ से एक अपस्पर्ट देखने को मिल सकती है। सो गाइज ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। निफ्टी के अंदर कुछ बहुत से पैटर्न्स डेवलप होते हैं और अभी जो पैटर्न डेवलप हुआ है वो एक हुआ है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और गाइज जो एक और पैटर्न डेवलप हो रहा है वो हो चुका है पीनेट पैटर्न। गाइज पीनेट के बारे में भी आपको मैं और बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहां से फॉल लिया, फॉल लेने के बाद मार्केट इसी रेंज में वर्क कर रहा है। गाइस जिस रेंज की तरफ ये मार्केट जाएगा, जिस रेंज को ये तोड़ेगा, उस तरफ हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकते हैं। पर गाइस ज्यादातर एक्सपेक्ट ये किया जाता है जो इस रेंज के अपर साइड में जब मार्केट पहुंच जाती है, यानी कि आप देख सकते हैं यहां से इसने पीनेट फॉर्म करा, पीनेट फॉर्म करने के बाद आपने देखा होगा 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल पे कितनी बार ये सपोर्ट ले चुका है और रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। दूसरी बात 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे भी कितनी बार रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस कर चुका है और आज के दिन यानी कि 3 दिन पहले इसने 61% रिट्रेसमेंट लेवल को भी टेस्ट कर दिया था। गाइस अब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है गाइस कि ये जो पीनेट डेवलप हुआ है इस तरीके से हमें बहुत अच्छा खासा फायदा दे सकता है। गाइस सबसे पहली बात ये जब इस रेंज में गया है सो इस रेंज में हमें सेल या बाय नहीं बनाना जब तक ये उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता कि हम अपने सेल इसे कर सके, क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न बना हुआ है यानी कि बियरिश पीनेट पैटर्न बना हुआ है। इसकी कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब ये इस बैंड लाइन को ब्रेक करेगा और 2 या 3 दिन इसके नीचे कंसोलिडेट करके एक ब्रेक डाउन देगा। सो हमारे लिए पैटर्न जो है वो कंफर्म हो जाएगा और हम यहाँ से सेलिंग बना सकते हैं और जो इसके लेवल्स हैं वो गाइस हमें वापस इसके लो तक लेकर जा सकते हैं जो कि है 10,034 का लेवल। गाइस ये मैं सीरियसली बात कर रहा हूं, ये मार्केट यहाँ तक इसे लेकर जा सकती है। क्यों लेकर जा सकती है गाइस, जो इसकी 3 तरीके की मूवमेंट आई है गाइस वो मूवमेंट में हमें ध्यान देना होगा। मार्केट ऊपर गई, 38% रिट्रेसमेंट लेवल पे इसने अपना सपोर्ट लिया, मार्केट थोड़ी नीचे आई, वापस ऊपर गई, 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे नीचे गई, वापस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गई, वापस ट्रेंड लाइन पे जाके सपोर्ट लिया। आप देख रहे हैं कि 50% के ऊपर नहीं जा रहा है ये और नीचे जा रहा है और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं 3 बार इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा है। और गाइस अब इसके बाद हमने देखा जो एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आई वो 61% रिट्रेसमेंट लेवल को ले गई, टेस्ट कर गई। होता ये है जब कोई ऐसा पैटर्न डेवलप होता है या फ्लैग शेप पैटर्न होता है या पीनेट पैटर्न होता है या मेजर्ड शेप पैटर्न होता है, सो गाइस उसमें जो एक रेंज बन जाती है, जो एक ये रेंज बन जाती है, वो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होता है जब वो अपनी रेंज के 61% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट कर देता है, उसके बाद वो अपने जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको ब्रेक कर ही देता है। यानी कि इसको आज के ट्रेडिंग सेशन पे यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन पे इसे टेस्ट कर लिया गया है और अब मार्केट शायद इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे और मार्केट यहाँ से एक फॉल ले सकती है गाइस। और फॉल लेने के बाद ये 10,700 के लेवल और उसके नीचे भी जा सकती है। थोड़ी बहुत हम मूवमेंट भी देख सकते हैं ऊपर की साइड में कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन या इस चार्ट को फॉलो नहीं करे 1-2 दिन, पर आखिरी में जाके इसी के नीचे जाके मैंने इसमें क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि गाइस ट्रेंड लाइन्स और जो चार्ट है वो बिल्कुल पैटर्न के ऊपर ही डेवलप होते हैं, क्योंकि जो पावर है टेक्निकल एनालिसिस की वो कभी फेल नहीं हो सकती। कुछ रीजंस होते हैं जो न्यूज़ फैक्टर्स होती है उसकी वजह से जो टेक्निकल है वो कभी कभार फेल हो जाते हैं, पर वो गाइस अपने वापस उसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट करके अपने तरीके को फॉलो कर लेती है। अभी भी आपको मैं एक बार और बताना चाहूंगा शॉर्ट में, हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो चुका है यानी कि यहाँ से मार्केट वापस अपने प्रीवियस सपोर्ट तक जा सकती है, प्रीवियस लोस तक जा सकती है शोल्डर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक जो कि 10,000 का लेवल है। क्योंकि यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरना शुरू होगी तो अपने वापस इस रेजिस्टेंस को फेस करेगी या इस सपोर्ट को फेस करेगी सॉरी, और वापस इस लेवल तक जाएगी। गाइस दूसरी जो पैटर्न डेवलप हो रही है पीनट बियरिश पैटर्न, जो कि मार्केट को वापस यहीं तक ही लेकर जा सकती है। तो गाइस दो बार हमें दो चीजें सजेस्ट कर रही है कि 10,000 का लेवल निफ्टी में एक्सपेक्ट हो सकता है। गाइस मैं हो भी सकता हूँ, रॉन्ग भी हो सकता हूँ, क्योंकि गाइस अगर बाय चांस 50% रिट्रेसमेंट लेवल से मार्केट मूव करती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, सो गाइस यहाँ से भी मार्केट एक ऊपर की तरफ जा सकती है। सो 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो आज का ट्रेडिंग सेशन जहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है, कल हमें मार्केट में वॉच करना है कि किस तरफ ये अपनी मोमेंटम दिखाता है, उस तरफ ही हम अपना ट्रेड लेकर चलेंगे, उस तरफ ही हम अपना पोजीशंस को मूवमेंट की तरफ को लेकर चलेंगे। बहुत क्लियरली तरीके से मैंने आपको ये निफ्टी 50 का चार्ट दिखाया होगा। अगर आपको चार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया और जो मैंने आपको बता रखा है उसी तरीके से निफ्टी चल रहा है गाइस, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को या चार्ट्स को समझाने की कोशिश करता हूं। एक खास बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कल से मैं अपनी एक ट्रेनिंग क्लास शुरू करने वाला हूं, वो भी यूट्यूब के अंदर अंदर ही। इसमें मैं आपको कुछ चार्ट्स के बारे में समझाऊंगा कि वो चार्ट्स कैसे दिखते हैं। पहले आपको मैं उस चार्ट्स को ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट्स में लेकर जाऊंगा कि ये पैटर्न डेवलप हुआ है इस चार्ट में, तो आपको और पैटर्न्स डेवलप करने होंगे। तो गाइस पूरी तरीके से आपको समझाया जाएगा। वो 3-4-5 दिन का एक मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ चार्ट्स के ऊपर। हर दिन मैं आपको एक नया पैटर्न समझाऊंगा और उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइंस और फिबोनाची के अंदर ड्रॉ करनी है, अगर ये पैटर्न डेवलप हुआ, और किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको वो पैटर्न सीखने हैं, और जिसपे सबसे ज्यादा लाइक होंगे कौन सा पैटर्न आपको सीखना है, वो मैं आपके लिए सबसे पहली वीडियो में बनाऊंगा। तो गाइस शुरू हो जाइएगा। इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप मैसेजेस जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। गाइस दूसरी बात, अब हम बढ़ते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसके ऊपर मैंने आपके लिए बताया था कि एक स्विंग ट्रेड में आपके लिए लेकर आया हूँ। गाइस ये भी मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं फ्लैगशिप पैटर्न डेवलप हुआ है, यानी कि मार्केट ने वापिस यहाँ से एक अपमूव दी। अपमूव देने के बाद हमने देखा मार्केट ने जो इसका टॉप है उस टॉप को इसने डबल टॉप बनाया, वहीं पर ही मार्केट ने कंसोलिडेट करा, जो कि 258 का लेवल है, यानी कि 260 के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट बहुत बार ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक है वो बार बार सपोर्ट ले रहा है। एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया। गाइस अब यहाँ से क्या हो सकता है, ये एक बुलिश फ्लैग शेप पैटर्न बना हुआ है। तो गाइस अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है कि यहाँ से जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक है, जो हिंदुस्तान पेट्रो है, वो तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है और वापस अपने हाइज की तरफ जा सकता है। इसका जो हाइज है 260 के आसपास यहाँ से जा सकता है, और शायद इसको ब्रेक करने के बाद अपने नए हाइज की तरफ ये बढ़ सकता है। तो गाइस अब ये टेक्निकल चार्ट फेल कैसे हो सकता है? बाय चांस अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो तोड़ने के बाद ये अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक जाएगा और शायद वहां से बाउंस बैक करता है, क्योंकि गाइस ये अगर फेल होता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हमारे पास एक दूसरा सपोर्ट होना चाहिए। वो सपोर्ट भी हमें एक बाय लेवल दे सकते हैं, जो कि इसकी प्रीवियस स्विंग हो लो होती है, क्योंकि मार्केट यहां तक भी जा सकती है। इससे पहले अगर ये बाउंस कर जाती है तो भी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। सो मैं आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर ट्रेड करने के लिए, जो कि आप कल के ट्रेडिंग सेशन पे इसे बाय करके चल सकते हैं, कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं 230 के आसपास। उसके बाद अगर आपको ये 220 या 225 के आसपास मिल सकता है तो आप इसकी क्वांटिटी को और बाय करके चल सकते हैं, हल्की हल्की क्वांटिटीज बाय करके चलिए, और 220 या 215 के आसपास आपकी एक एवरेज प्राइस बन जाएगी, और वहां से आपको ये बहुत अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है। ये कुछ स्विंग ट्रेड या मैं आपको एक हफ्ते या 2-3 हफ्ते के लिए बता रहा हूँ, और आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न ये भी दे सकती है। प्राइस अब ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अगर अभी भी आप बाय करना चाहते हैं तो आप 240 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रो के अंदर, और वो आपको अभी 2 रुपये 1 रुपये 1.5 रुपये में मिल जाएगी, तो वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने के लिए। 4-5-6 रुपये के अगर आपको टारगेट अचीव होता है तो वो भी आप वहां से एग्जिट करके चल सकते हैं। बस ये अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसको बाय ही करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ मैं आपको चार्ट्स के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि गाइस ये पैटर्न बना है तो हम किस तरफ अपनी पोजीशन ले। सो गाइज मैंने कल अपनी वीडियो नहीं बना पाया था, आपके सामने भी मैं एक बार लाइव आया था पर वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं नहीं आ पाया था। उस पे जो मैं आपको बताने वाला था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में गाइज, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये चार्ट जो है वो कभी फेल नहीं होगा। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवर्स फ्लैग शेप पैटर्न बना हुआ है या कि फिर बियरिश फ्लैग शेप पैटर्न बना हुआ है। मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड दिखाई, मार्केट वापस रिकवरी दिखा रही थी और रिकवरी दिखाने के बाद इसी लाइन पे यानी कि इसी फ्लैग पे ये एक इसने पोल बनाया और इसी फ्लैग पे ट्रेड कर रही थी मार्केट। ट्रेड करने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी आप देख सकते थे कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ये जा ही नहीं रहा है, इसे ब्रेक कर ही नहीं रहा है, तो यानी कि मुझे लगता था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा और यहीं से ये नीचे गिरेगा। और आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग सेशन पे इसने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी इस पर ट्रेड करने के लिए गाइस। और जो मैं आपके लिए कल वीडियो बना रहा था, मैं बना रहा था कि इसको शॉर्ट करके चलना है और ये जो इसका फ्लैगशिप पैटर्न है ये अब हमें अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। और जो इसका नेक्स्ट लेवल मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है गाइस, वो लग रहा है कि ये वापस अपने 570 या 560 के लेवल्स तक जा सकती है। पर मैंने आपको क्या सलाह दी है, जब भी एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिले तो उसके नीचे या उसके ऊपर 2 या 3 दिन तक मार्केट को रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स के साथ कंसोलिडेट करना पड़ेगा और फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ अपनी मूवमेंट दे रहा है, उस तरीके से ही हम अपना ट्रेड लेंगे। गाइस अगर मैंने आपको ये कल वीडियो बताते हुए ट्रेड दे दिया होता तो गाइस अब अच्छे खासे फायदे में होता। तो गाइस अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है, अगर ये वापस आपको 640 या 630 के आसपास मिलता है तो भी आप इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं और ये शायद आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। बाय चांस अगर होता है ये वापस अपने इस पैटर्न की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है या अपने इस फ्लैग की तरफ अंदर चले जाता है तो वापस वो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर जा सकता है। कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं आपको बताए जा रहा हूँ गाइज, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बहुत कॉशियसली ही आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करके चलना ही पड़ेगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखा था गाइज, जब मैंने आपको निफ्टी का चार्ट समझा रहा था कि जो रिलायंस है वो ओवरबॉट हो चुका है, वहां से मार्केट में या रिलायंस में करेक्शन आ सकती है। मैंने आपको मारुति भी बोला था कि 7300 तक या 350 तक जा सकता है, वहां से भी जब गया वहां से भी हमने मारुति में एक सेल ऑफ हेवी सेल ऑफ देखने को मिला था और वो वापस अपने लोअर लेवल्स पे चला गया। तो गाइज ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, हमें बिल्कुल कॉशियसली ही मार्केट को ट्रेड करते हुए चलना है, समझ समझ के चलना है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत काम आएगी, सिर्फ आपको करना क्या है ध्यान से सुनना है और मेरे साथ बने रहना है। क्योंकि गाइस कुछ चीजें होती है कि अगर मैं आपको ये कॉल आज देता हूँ शायद ये मेरा आज हिट ना कर पाए, आपको इसमें लॉस हो जाए, पर 3 या 4 दिन के अंदर अंदर वो हिट कर जाएगी। क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ, मैं अगर अपने आप को ऑब्जर्व करके चलूँ मैं किस में बेस्ट हूँ, मैं वही चीजें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो गाइज मैं हूँ स्विंग ट्रेड्स में बेस्ट और उसके हिसाब से मैं अपनी ऑप्शन या फ्यूचर्स की स्ट्रैटेजीज डेवलप करता हूँ और अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराता हूँ। तो गाइज उसी तरीके से हम वर्क करके चलते हैं तो हम अच्छे खासे फायदे में रहते हैं। और अभी भी हम अपने तरीके को बदलेंगे नहीं और उसे और अच्छे तरीके से पॉलिश करेंगे कि हम अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। तो गाइज अगर आपको ये मेरी सारी चीजें पसंद आई होंगी, मेरे काम करने का बताने का ढंग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सब बंदे मिलके इसको लाइक जरूर करिएगा। कोई भी इसे डिसलाइक कर सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आए, पर आप डिसलाइक या लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन को भरना ना भूलिएगा। मुझे हर बंदे से सुनना है कि मुझे ये पैटर्न सर आपसे सीखना है और गाइज वो मैं आपके लिए बनाने लगूंगा नेक्स्ट डे से। तो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को फैला दीजिए जिससे जो सारे लोग हैं वो इस चैनल पे जुड़े रहें और ये वीडियो का लाभ उठा सके।